अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्वेश्चन 7 कर रहे थे ना, क्वेश्चन 7। तो आप में से वो कैद वैद हो जाए तो महीने बाद ना फिर वो नोट्स दे लेना है दोस्तों से, वो नोट्स शेयर कर लेना। अच्छा, फिक्स वेरिएबल और स्टेप कॉस्ट, इस पे कल डिस्कशन हुई थी और बस ये सवाल पूरा करके बहुत है, ये फिक्स वेरिएबल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी है। हम फिक्स वेरिएबल एक फॉर एनी एक पीरियड को सामने रख के डिसाइड कर रहे हैं और जिसके लिए भी ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसकी मेन एक्टिविटी पे गौर कर रहे हैं। वो खर्चा जिसका मेन एक्टिविटी से ताल्लुक है, कि मेन एक्टिविटी ज़्यादा होती तो वो खर्चा टोटल फॉर द ईयर और ज़्यादा हो जाता, और मेन एक्टिविटी कम हुई होती तो वो साल कम हुआ होता, तो वो वेरिएबल है। और ये ओरिजिनली तय ही एक रेट की शक्ल में होता है। वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनली एक रेट की शक्ल में डिटरमिन होती है, रेट पर यूनिट, रेट पर आर, रेट पर केजी, एक रेट की शक्ल में। और वो ख़र्चा जिसका इस मेन एक्टिविटी से ताल्लुक़ नहीं है, मेन एक्टिविटी कम हो ज़्यादा हो, ये टोटल फॉर द ईयर उतनी ही रहेगी, ये फिक्स कॉस्ट है। और ये तय ही एक टोटल फॉर अ पीरियड अमाउंट होती है, तो ये कॉस्ट पड़ी थी। और फिक्स कॉस्ट की ही एक वैरायटी थी कि जो मुख्तलिफ रेंजेस के हिसाब से तय हुई होती है, कि अगर इतने यूनिट स्टोर करने हैं तो इतना किराया है स्टोर का, इतने करने हैं तो इतना स्टोर का किराया है। तो ये स्टेप है फिक्स कॉस्ट, लेकिन एक स्टेप फिक्स कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट 5 पढ़ने में करता हूं डिस्कस। ट्वेंटी थाउजेंड जो एनुअल रिपेयर्स हैं ये फिक्स कॉस्ट है, ये कल कर ली थी। 5,000 हैं कुछ पार्ट्स रिप्लेस हुआ करते हैं हर 2,000 घंटे चलने के बाद। जैसे अगर ये बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, ये जो बाइक है इसकी जब सर्विस ट्यूनिंग वगैरह करवाएंगे तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ऑयल चेंज हो जाएगा, एयर फिल्टर चेंज हो जाएगा। अब वो टाइम भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकते हैं, ज़्यादातर लोग वैसे किलोमीटर का ख्याल करते हैं वरना टाइम भी होता है। तो एक सर्टेन किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज होगा, फिल्टर चेंज होगा। तो ये पार्ट रिप्लेसमेंट, ये वैसी सी बात है, कुछ मशीन्स के पार्ट रिप्लेस होने हैं।
कैमरा ही रहने दे, मैं इधर ही खड़ा हूँ, किसी को बुलाएं कि बैटरी चेंज करनी है, ठीक है, कैमरा ऑन ही है, मैं यहीं हूँ। तो हर 2000 घंटे के बाद इस मशीन में कुछ पार्ट्स चेंज करने हैं और हर बार उन पार्ट्स के चेंज करने पे 5000 रुपए लगेंगे। ये क्या है, फिक्स कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट। अच्छा स्टेप क्यों है, स्टेप तो फिक्स्ड ही होती है ना, क्लास के साथ तो फिक्स्ड होती है, तो ये फिक्स्ड है वेरिएबल। अच्छा इस पे मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ समझाने की, ज्यादा नहीं, क्योंकि जब आप लोग डेप्रिसिएशन पढ़ लेंगे ना, आप में से जितने लोग FAR1 और इंट्रो पढ़े हुए नहीं है, जब आप FAR1 में डेप्रिसिएशन पढ़ लेंगे, उसका आर्स मेथड पढ़ लेंगे, तो ये उसी से रिलेटेड चीज़ है। क्योंकि वो सारी अभी डिस्कशन हुई नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा सा बताऊंगा, और वो थोड़ा सा भी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, वरना ये कह के छोड़ देता कि जब डेप्रिसिएशन समझ आएगी तो ये आ जाएगी। थोड़ा सा सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि ये स्टेप्ड कॉस्ट है, इसलिए थोड़ा सा समझाने लगा हूँ, वरना ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पॉइंट है। अच्छा अगर समझ ना आया ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इग्नोर कर देना, डेप्रिसिएशन के बाद ही सही। ये बैटरी चेंज करनी है, और ये फैन भी ऑफ करना है यार, लाइट ऑफ हुए बगैर। लाल हो जाता होता। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस चीज की, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो इग्नोर। ये बजाहिर स्टेप्ड कॉस्ट लग रही है, स्टेप्ड कॉस्ट की कोई मिसाल, वही स्टोर किए रहे 2020 में स्टोर का रेंट 1 मिलियन था, और स्टोर वाले ने कहा हुआ था कि हम आपसे 1 मिलियन किराया लेंगे, हम आपको एक फ्लोर अपनी बिल्डिंग में से किराए पे दे देते हैं, 50,000 यूनिट्स तक आप यहां स्टोर कर सकते हैं, अगर आपको और चाहिए हुआ तो हम एक फ्लोर पूरा आपको और देंगे, और उसका फिर हम मजीद आपसे पैसे ले लेंगे। अच्छा वो मजीद पैसे 1 मिलियन से डिफरेंट होने जरूरी है, नहीं, 1 मिलियन भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बात यह है कि अगर एक रेंज से बढ़े तो एक बड़ी अमाउंट फुल हमारे खर्चों में ऐड हो जाएगी, एक और स्टोर किराए पे लेना पड़ेगा। तो उस बिल्डिंग वाले ने कहा, जिससे हमने एक फ्लोर किराए पे लिया हुआ था, कि हमें बस 50,000 से ज़्यादा हम स्टोर नहीं करेंगे, उसने कहा ठीक है एक फ्लोर आपके लिए काफ़ी है, तो अगर उस साल हम 40,000 भी स्टोर करते, 30,000 भी स्टोर करते, 20 भी करते तो भी काफ़ी था, हमने 50,000 तक बस स्टोर किए उस साल में। अब अगर अगला साल जब शुरू होगा और अगले साल में हमें 1,000 यूनिट स्टोर करने हैं, 1,000, तो स्टोर वाला कहेगा कि अब तुम्हारे 51 हो गए, तो तुम्हें अब एक और स्टोर किराए पे लेना पड़ेगा, है वो पिछले साल वाले गेन के साथ जोड़ के कहेगा कि 1,000 हो गए तो 51 हो गए। यार ये बंद भी करना है, ये नहीं हुआ ना, ये नहीं है सही, यार ये रेड होता है बिल्कुल, यानी मसला सिर्फ इसी लाइट का ही है, पक्की बात है। ये बंद कर दें पंखा, लेकिन वो अच्छा ठीक। 2020 में 50,000 यूनिट्स ही हमने स्टोर किए थे,
अच्छा, अब जब 2021 में 1000 यूनिट्स और स्टोर करेंगे तो वो फ्लोर वाला कहेगा कि जी पिछले साल के 50 और अब ये एक मिला के 51 हो गए, नहीं ना, 2020 खत्म, वो गिनती खत्म, अब 2021 फिर जीरो से शुरू होगा। ये फॉर द पीरियड 2020 था, अब 2021 में दोबारा से हिसाब शुरू होगा। ये मिसाल ओके, ये स्टेप है। इस मशीन में हर 2000 घंटों के बाद रिप्लेसमेंट होनी है। अगर किसी एक साल में 1900 घंटे चले थे, 1900 घंटे चले थे, तो अगले साल में फिर जीरो से 2000 पूरे होंगे तो पार्ट रिप्लेसमेंट होनी है, या बस 100 ही घंटे चल रहे हैं तो पार्ट रिप्लेसमेंट हो जानी है। तो इसका मतलब है इस खर्चे का ताल्लुक पीरियड से नहीं है, उस एक्टिविटी से। फिक्स कॉस्ट होती है जिसका ताल्लुक पीरियड से, एक्टिविटी से इसका ताल्लुक नहीं बनता है। पीरियड खत्म, वो खर्चा खत्म, अगले साल फिर जीरो से गिनती शुरू होगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसका एक्टिविटी से ताल्लुक है। तो ये जो पार्ट रिप्लेसमेंट हो रही है ये मशीन के चलने से रिलेटेड है। अगर किसी एक साल में मशीन 1999 घंटे भी चली और बस उस साल में खत्म हो गया, अगले साल बस एक घंटा ही और चलना है, रिप्लेसमेंट करनी पड़ जानी है। तो इसका मतलब ये रिप्लेसमेंट वाला खर्चा फॉर अ ये पीरियड रिलेटेड नहीं है, ये उस मशीन के चलने से रिलेटेड है, इसलिए ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये वेरिएबल है। और बस वेरिएबल है, और बाकी जब आप डेप्रिसिएशन का आज मेथड पढ़ लेंगे तो उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही होगी। जो लोग FER1 अभी पढ़ रहे हैं, जब आप लोग डेप्रिसिएशन का आज मेथड पढ़ेंगे ना, तो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल उस आज मेथड वाली डेप्रिसिएशन की तरह होगी। तो इसलिए जो मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो बस समझे बगैर आप लिख लें, आज मेथड डेप्रिसिएशन, जब वो पढ़ लेंगे तो ये हो गई होगी बात। इसलिए मैं सिर्फ सवाल पूरा करने के लिए लाइन लिख देता हूँ वेरिएबल वाली में। फिक्स्ड और वेरिएबल दो अलग अलग मैंने टेबल बनाए हुए थे, ये वेरिएबल वाले में लिख रहा हूं मैं। पार्ट रिप्लेसमेंट, ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, जिन बच्चों ने डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ी हुई वो बस इसको लिख लें। जब आप जी जी हाँ, नहीं तो खैर है, कंटिन्यू रहे, कोई मसला नहीं। तो ये कौन सा पर्दा करते हैं, नजर आ जाएंगे तो क्या हुआ, खैर है, आ जाओ। पार्ट रिप्लेसमेंट की जो कैलकुलेशन कर रहा हूं ये आप लिख लीजिए। जब यार मैं इधर, मुझे देखे ना, उनको छोड़िए, मुझे इधर देखे। जब आप डेप्रिसिएशन का आर मेथड कर लेंगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी समझ। खर्चा कितना लिखा हुआ है, 5000, हाँ हाँ, मतलब 5000 ना, आफ्टर एवरी 2000, और उससे नीचे लाइन में क्या लिखा हुआ है, कितना बना, 15। अच्छा वैसे एक बात बताता हूँ, हो सकता है आ जाए समझ। 2000 घंटे के लिए 5000 रुपए खर्चा है, पर आर करना हो तो क्या करें, 5000 रुपीस को 2000 से डिवाइड, ये लें 2000 से डिवाइड कर लिए, पर आर बन गया। टोटल इस साल में कितने घंटे इस्तेमाल हुए, 6000, तो इनटू 6000 के। ये क्वेश्चन 7 डन। अच्छा अब ये फिक्स्ड वेरिएबल और ये जो भी सब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था ये बहुत हैं। इसमें से ना क्वेश्चन 6, 7, 8 ये मैंने कर लिए डिस्कस, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये अभी रहने देंगे हम, सवाल अच्छा है लेकिन अभी के लिए ज्यादा एडवांस है। और ये आप हस्बे तौफीक खुद ही करेंगे, लेकिन नसीहत मेरी ये है
कि ये आप कोर्स के एंड के डेज में जब ये चैप्टर कभी नोट्स रिवाइज कर रहे हो ना तब करिएगा। और अगर आप अपने लिए यहाँ गाइडेंस लिख भी लें तो मेरी नसीहत ये है, क्वेश्चन थ्री की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन थ्री मेरी नसीहत ये है कि जब हम CVP पढ़ लेंगे, CVP एक चैप्टर पढ़ना है CVP, और वो कोर्स के तकरीबन सबसे आखिर में ही पढ़ना है। जब हम CVP पढ़ चुके हों तब आप कहीं पढ़ाई करते हुए इस सवाल को अटेम्प्ट करिएगा, जरूर करिएगा अटेम्प्ट। लेकिन ये हैं क्या वो CVP, सी फॉर कैट, वी फॉर वैन, पी फॉर पाकिस्तान, CVP ये चैप्टर है। CVP जब आप पढ़ेंगे तो लग पता जाएगा, CVP जब पढ़ेंगे तो उसके साथ फिर आप ये सवाल खुद कर रहे होंगे। अभी के लिए ज़्यादा एडवांस हो जाएगा और फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए आप इसको खुद ही कभी ट्राई करिएगा, लेकिन वो भी बिल्कुल कोर्स के एंड पे। और जो बाकी सवाल हैं ये इन्वेंट्री के सवाल हैं, जो मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के साथ कराऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हैं और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हैं, तो ये मैं उनके साथ कराऊंगा डिस्कस। तो ये जो अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा था ये डिस्कशन काफ़ी है। अब एक और छोटी सी कैलकुलेशन इखलाकन के, अगर आपको ये चीज़ें पहले नहीं पता QM में, क्योंकि मुझे इस्तेमाल तो करनी है, तो उनकी एक रिवीजन करा देता हूँ, परसेंटेजेस की कुछ कैलकुलेशंस की रिवीजन कराने लगा हूँ कि इतने परसेंट इंक्रीज़ और इतने परसेंट डिक्रीज़ और परसेंटेज की कैलकुलेशन और मार्कअप मार्जिन पढ़ा हुआ है QM में। हाँ, तो मैं अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए आपसे, तो अगर आप भूल भाल भी गए हैं तो उसकी मैं रिवीजन करा देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग ऑफिशियली कॉस्ट का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। इसको मैं हेडिंग क्या दूँ, रिवीजन ऑफ सम परसेंटेज कैलकुलेशंस। परसेंटेज कैलकुलेशंस आपको आती हैं? चलें बस ठीक है, चेक कर लेते हैं। अभी सवाल लिखें, सवाल ही सवाल करते हैं ताकि आप की भी याददाश्त वापस आ जाए और मुझे भी पता चल जाए कि आप कितने पानी में हैं। बस छोटे छोटे सवाल लिखवाता जाऊंगा, वो फिर सॉल्व करते जाएं और मैं फिर उनको बोर्ड पर डिस्कस भी करता जाऊंगा। पहला सवाल लिखें जी, सेल्स 540,000 रुपीज है, सेल्स है 5,40,000 रुपए, सेल्स की अमाउंट बताई है 540,000 5,40,000 रुपए, और कमीशन की अमाउंट है, कमीशन 78,000 कितने परसेंट कमीशन दे रहे हैं? कमीशन सेल्स का कितने परसेंट है? 14.4। चले माशाल्लाह, ये तो ये टेस्ट पास हो गया कि आपको ये परसेंटेज निकालनी आती है। 14.44 सबसे नहीं, सेवेंटी एट
14.44 अच्छा बहुत बेसिक लेवल की बात है, बहुत बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी कोई नन्हे मुन्ने बच्चे हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको परसेंटेज भी बताता हूँ क्या चीज़ होती है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को अगर नहीं पता, ये जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है ना, ये इसलिए बनाया गया है कि कंपेरिजन आसान हो, अंडरस्टैंडिंग आसान हो। जैसे अगर किसी के मैट्रिक में मार्क्स हैं, टोटल कितने होते हैं, 1100, और एफएससी में, अच्छा चले फिर मिसाल चेंज करते हैं, अगर मैट्रिक में मार्क्स हैं 850 और एफएससी में टोटल मार्क्स हैं 1100 टोटल, एक स्टूडेंट के मैट्रिक में अगर मार्क्स हैं 690 और एफएससी में मार्क्स हैं 710, तो मार्क्स को कंपेयर करें तो मैट्रिक में जितने मार्क्स हैं एफएससी में, तो उसने बेहतर परफॉर्म कर लिया था, 700 हो गए। तो यहां कंपैरिजन ये मीनिंगफुल नहीं है, और जिन लोगों ने एफएआर 1 पढ़ी हुई है, रेशोज में ये चीज पढ़ चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इनका कंपैरिजन मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि ये 710 1100 में से 710 है और ये 850 में से 690 है, तो इनको कंपेरेबल बनाने के लिए परसेंटेजेस आसानी रहती है, वो ऐसे कि 710 1100 में से कितने परसेंट, 64.54 और ये 81.17। अब ये 81.17% है, और सेंट कहते हैं 100 को, तो इसका मतलब ये है कि 1100 में से 710 ऐसे ही है जैसे 100 में से 64, 850 में से 690 ऐसे ही है जैसे 100 में से 81। अब 710 और 690 कंपेरेबल क्यों नहीं था, क्योंकि इनके टोटल्स डिफरेंट थे। 64 और 81 कंपेरेबल क्यों है, क्योंकि ये भी 100 में से हैं और वो भी 100 में से हैं, तो ये परसेंटेजेस का काम होता है कि डिफरेंट बेसिस वालों को कंपेरेबल बना देते हैं, क्योंकि वो परसेंट है तो मतलब पर 100, और इसकी कैलकुलेशन, ये 100 किसको बोल रहे हैं हम, ऑब्टेंड को के और टोटल को, टोटल को, तो डिनोमिनेटर में आ गया टोटल, ये किसको बोल रहे हैं हम, ऑब्टेंड को, तो ये आ गया ऊपर। तो परसेंटेज निकालने का तरीका कि जिस की परसेंटेज लेनी है वो नीचे, यानी ये 64% ऑफ व्हाट, 64% ऑफ व्हाट, ये मार्क्स 64% ऑफ व्हाट है टोटल के, तो जिस की परसेंटेज है वो नीचे है, जिसकी परसेंटेज है वो फार्मूला नीचे, और जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो ऊपर। जिसकी परसेंटेज वो नीचे है और जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऊपर है। तो इसमें मैंने आपसे पूछा था कि कमीशन सेल्स की कितने परसेंट है, तो सेल्स नीचे है, कमीशन ऊपर है, तो ये परसेंटेजेस की जो कैलकुलेशन है, ये आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ा करेंगी कहीं ना कहीं कॉस्ट में। और सवाल लिखे, अच्छा ये सारा कुछ बेसिक रिवीजन के लिए है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है या कोई एहसास कमतरी नहीं, यार अब सर ये सिखाएंगे, मजबूरी है मुझे ये चीज़ें डिस्कस तो करनी पड़ेंगी। अगला सवाल लिखिए जी, सेल्स
सेल्स की अमाउंट 720,000 है, 7,20,000, और कमीशन है 12.5%। कमीशन की अमाउंट बता दें, 720,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 12.5% से, कितना आ गया 90,000। क्योंकि आप इस परसेंटेजेस पे चल रहे हैं तो मैं यहीं से फिर आपको मार्कअप मार्जिन सिखाता हूं। ये आपने पढ़ा हुआ होगा QM में, लेकिन इनकी कैलकुलेशंस बहुत इस्तेमाल होती हैं, कॉस्ट में भी होंगी, रिपोर्टिंग में भी कहीं ना कहीं होती हैं। हो सकता है आपने एक डिफरेंट तरीके से सीखा हो, मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको जो पहले आता है, अगर आप उस पर कंफर्टेबल हैं बिल्कुल चलिए, बिल्कुल कंटिन्यू करिए, और अगर जो अब बताने लगा हूँ ये सीखना चाहें तो इसको चला लीजिएगा। सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी पहले, इसका मतलब होता है कि जो चीज हम बेच रहे हैं सेल, वो हमें खुद कितने की कॉस्ट की थी। जैसे अगर हम एक चीज 24,000 रुपए की बेच रहे हैं और वो हमें खुद कॉस्ट 20,000 रुपए की थी, तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हम? 4,000। और आप लोग जो अभी अकाउंटिंग नहीं पढ़े हुए, जब आप इनकम स्टेटमेंट वगैरह तक पहुंच जाएंगे ना, तो एक नाम होता है उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये आप तब इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट से इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे बिल्कुल। जो चीज़ हमने 24,000 रुपए की बेची है वो हमें कितने की कॉस्ट की, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं, और इस पे हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, ये इन दोनों का डिफरेंस है। अगर अमाउंट की टर्म में कहें तो हमने 4,000 रुपए प्रॉफिट कमाया। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें कि ये कितने परसेंट है, तो इसके दो तरीके हैं कि किसका परसेंट। अच्छा आप कह सर अभी तो आपने की कहा था, कि किसकी परसेंट की कहा है, तो ये जो 4,000 है ये किसका परसेंट, ये दो तरीके हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, यानी 4,000 डिवाइडेड बाय 24,000 कितना बना, 16.67%। और ये ऐसे भी हो सकता है कि ये 4,000 20,000 के हिसाब से, 4,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 120%। अब ये दोनों ही कैलकुलेटेड हैं और हैं तो दोनों सही, लेकिन इंटरप्रिटेशन का फर्क है। जब इस 4,000 को इस 24 की बेस पे कैलकुलेट किया गया तो इस आंसर को कहते हैं जीपी, जीपी है ना, जीपी, जीपी मार्जिन, ये नाम इस्तेमाल होता है। और अगर हमने इसको एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कैलकुलेट किया तो इसको कहते हैं जीपी मार्कअप। ये दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, मार्जिन और मार्कअप। मार्जिन हो या मार्कअप हो, मतलब क्या शो कर रहा है कि प्रॉफिट कितने परसेंट है, किसका। अगर ये परसेंटेज ऑफ सेल्स की बात हो रही है कि सेल्स का, तो उसको मार्जिन कहते हैं। यानी इस मिसाल में ये बिजनेस जो 4,000 रुपए कमा रहा है वो 16.67% ऑफ सेल्स कमा रहा है, यानी सेल्स का इतने परसेंट कमा रहा है, जितना प्रॉफिट कमा रहा है वो सेल्स के इतने परसेंट के बराबर है। और अगर इस तरह से कैलकुलेट किया जाए तो ये बोला जाएगा कि बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है वो कॉस्ट के मुकाबले में 20% प्रॉफिट कमा रहा है। एक और एंगल से बताता हूं, इस इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो चीज वो 100 रुपए की खरीदता है उस पर 20 रुपए प्रॉफिट रख के बेचता है। 20% मार्कअप कप मींस कि जो 100 रुपए की चीज कॉस्ट करती है उस पर 20 रुपए प्रॉफिट रखता है। इसकी इंटरप्रिटेशन यह है कि जो चीज वो 100 रुपए की बेचता है उस 100 रुपए में
16.67 प्रॉफिट होता है। तो ये मार्कअप मार्जिन दो इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं, कैलकुलेशंस में बहुत इस्तेमाल होती हैं, आप कॉस्ट में भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला क्या बना, प्रॉफिट की अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स की अमाउंट, और अगर मार्कअप की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो प्रॉफिट की अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट की अमाउंट। जीपी मार्जिन इज इक्वल टू जीपी की अमाउंट डिवाइडेड बाय सेल्स की अमाउंट, और जीपी मार्कअप जीपी की अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट। तो जिस को एज अ परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो ऊपर है, और जिस का की के परसेंटेज है वो नीचे है। जिस को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है वो न्यूमिरेटर में है, और जिस की परसेंटेज है, जिस के हिसाब से परसेंटेज है, वो डिनोमिनेटर में है। ये परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका है। मार्जिन कैलकुलेट करना है तो जीपी ओवर सेल्स, और मार्कअप कैलकुलेट करना है तो जीपी ओवर कॉस्ट। ये नोटेड तो सवाल लिखें, कर रहे हैं नोट तो चलो कर लें पहले। चलें सवाल लिखें। सेल्स ₹720,000 और कॉस्ट सेल्स सेल्स मैंने बताई है 720,000, 72 के बाद 40, कॉस्ट ऑफ सेल्स 640,000, 640,000। जीपी मार्जिन परसेंटेज भी बता दें, मार्कअप परसेंटेज भी बता दें। मार्जिन मार्कअप दोनों बता दें। मार्जिन 11
जीपी कितना? 80,000. 7 11.1. यहां तक कोई एतराज? चले अब इसकी रिवर्स कैलकुलेशन पे आते हैं. जब मार्जिन की बात हो रही होती है, मार्जिन की, तो 100 किसको कहा हुआ है हमने? सेल्स को. 100 वो है जिसकी परसेंटेज है, वो 100 है, वो नीचे डिनोमिनेटर है. तो मार्जिन को डिस्कस करते हुए हम कह रहे हैं कि सेल्स 100 है. इस मिसाल में अगर सेल 100 है तो प्रॉफिट कितना है? 11.11% जीपी मार्जिन का मतलब यह है कि अगर सेल 100 हुई तो उसमें इतना प्रॉफिट रखा. अच्छा, अगर ये 100 है और इसमें इतना प्रॉफिट है तो फिर कॉस्ट कितनी हुई? इनका डिफरेंस 88. ये दोबारा सुने, मैं आपको ये समझाने लगा हूं कि हमें ना मार्कअप मार्जिन से कुछ रिवर्स कैलकुलेशंस भी करनी पड़ जाती हैं. उन रिवर्स कैलकुलेशंस की तरफ जा रहा हूं. अगर मार्जिन को यूज कर रहे हो तो मार्जिन का मतलब होता है कि सेल्स 100 है, क्योंकि हमने सेल्स को बेस बनाया हुआ है. और अगर इसी मिसाल को लेकर चलूं कि 11.11% मार्जिन है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपए में इतना प्रॉफिट है. और अगर 100 रुपए में इतना प्रॉफिट है तो फिर कॉस्ट कितनी है? इनका डिफरेंस. ये रिलेशन पता हो इन तीनों का आपस में, और कोई एक अमाउंट पता हो. अगर ये रिलेशन पता हो और इन तीनों में से कोई एक अमाउंट पता हो तो हम बाकी अमाउंट्स आराम से निकाल सकते हैं. ये सिखाने लगा दोबारा. अगर हमें मार्जिन मार्कअप का ये परसेंटेज का रिलेशन सवाल में पता चल जाए और इन तीनों में से कोई भी एक अमाउंट पता चल जाए तो बाकी अमाउंट तक पहुंचा जा सकता है. इसका फार्मूला होता है, वो यूनिटरी मेथड से बना हुआ है. बचपन में कहीं यूनिटरी मेथड अगर पढ़ा हो तो वो फार्मूला बना हुआ है कुछ इस तरह से कि हमें जो चीज चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट कह देता हूं उसको, ये फाइंड की जा सकती है जो अमाउंट गिवन है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड करें. और जो चीज चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें. ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप अगर ये रिलेशन पता हो और इन तीन में से कोई एक अमाउंट पता हो तो बाकी अमाउंट फाइंड करने के लिए रिलेशन इस्तेमाल हो सकता है. जैसे इस मिसाल पे लगाता हूं, अगर मैं सेल्स जो कि 7,20,000 थी ये हमें पता हो और पूछा हो कि कॉस्ट कितनी है, तो पूछा क्या है? कॉस्ट, हमारी रिक्वायर्ड कॉस्ट है. गिवन क्या है? सेल्स. तो यहां पर क्या आ जाएगा? 720 जो गिवन है. अच्छा, क्या गिवन है? सेल्स. तो इसकी परसेंटेज कितनी है? 100. तो 720 डिवाइडेड बाय 100 चाहिए क्या? कॉस्ट ऑफ सेल. कॉस्ट ऑफ सेल इसमें से क्या है? 88. दोबारा, अगर हमें ये रिलेशन पता हो और इन तीन में से सेल्स, कॉस्ट और जीपी,
इन तीन में से कोई एक अमाउंट पता हो और बस ये रिलेशन पता हो तो बाकी अमाउंट हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। क्या फार्मूला है? जो अमाउंट पता है वो लिख लें, ये लिख ली। जो अमाउंट यहां लिखी है इस रिलेशनशिप में वो क्या है? वो 100 है, ये 100 से डिवाइड कर दिए। और जो अमाउंट पूछी है वो इस रिलेशनशिप में क्या है? उससे मल्टीप्लाई कर दिए। नहीं समझ आ रही? चलें, जिनको नहीं समझ आ रही और डाटा लेते हैं। सेल्स 5,20,000 रुपए है और जीपी मार्जिन 25% है। 25% जीपी मींस सेल्स 100, प्रॉफिट 25, तो फिर कॉस्ट कितनी? 75। फाइंड क्या करना है? कॉस्ट। फार्मूला लगाते हैं। कॉस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट हमें क्या दी हुई है? सेल्स 5,20,000। जो अमाउंट गिवन है वो इसमें से क्या है? 100। और चाहिए क्या? तो जो चाहिए वो इसमें से क्या है? 70। जो अमाउंट दी है उसकी परसेंटेज से डिवाइड और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। और मिसाल देखते हैं। जीपी 68,000 है और जीपी मार्जिन 20% है, कॉस्ट कितनी? जीपी की अमाउंट इतनी है, जीपी मार्जिन इतने परसेंट है, कॉस्ट कितनी? 68,000 करें ना सारे करें। जीपी की अमाउंट बताइए। मैंने ये कहा है कि जीपी 20% है मार्जिन, तो कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट क्या है? 2,72,000। मार्जिन है तो मतलब सेल 100 है और प्रॉफिट अगर 20 है तो फिर कॉस्ट इसका मतलब है 80 है। गिवन हमें अमाउंट क्या है? 68,000। ये जो गिवन है ये इसमें से क्या है? ये इसमें से क्या है? 20। चाहिए क्या? वो इसमें से क्या है? 80। उधर ही रहे।
सवाल लिखें और अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, करें करें, नोट कर लें नोट कर लें। जल्दी जल्दी चलें। सवाल, जीपी मार्जिन 35% है, जीपी मार्जिन 35% है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट वन सिक्स नाइन ट्रिपल जीरो, सेल्स बताएं कितनी है? मार्जिन है तो सेल्स 100 सेल्स पूछिए मैंने, सेल्स 260,000 91,000 तो जीपी की अमाउंट है, मैंने सेल्स की अमाउंट पूछी है। मार्जिन है इसका मतलब से नहीं नहीं यही बता रहा हूं, इसी का जवाब दे रहा हूं। मार्जिन था इसका मतलब सेल्स 100 थी और जीपी 35 था, तो कॉस्ट फिर यकीनन 65 थी, और मैंने आपको जो अमाउंट बताई थी वो कॉस्ट की ही बताई थी। मैंने आपको कॉस्ट बताई थी वन क्या था 169 और जीपी मार्जिन था 35%। मार्जिन का मतलब है कि सेल 100 है और अगर प्रॉफिट 35 है तो कॉस्ट यकीनन 65 है, और ये प्रैक्टिस से आप इतने चीते चीतियां हो जाएंगे कि ये काम आप जबानी कर रहे होंगे, 100 लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ये प्रैक्टिस से जबानी हो जाएगा। अच्छा, अब कॉस्ट है 169 और पूछा है हमसे सेल्स, तो जो गिवन है वो 65 है और जो पूछा है वो 100 है, 260। जीपी मार्कअप 25% है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 300,000 है, सेल्स बताएं। मार्कअप लिखा मैंने, मार्कअप 25% मार्कअप है, ये किसका परसेंटेज है मार्कअप? कॉस्ट का, तो चूंकि कॉस्ट का परसेंटेज है तो 100 क्या होगा अब कॉस्ट, Thank you.
अब जीपी का रिलेशन चूंकि मार्कअप की शक्ल में है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट 100 है और सेल्स यकीनन फिर 125, 75 नहीं 125 होगी। इस 100 की चीज खरीद के 25 का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 75 रुपए का बेच रहे हैं, 125 का बेच रहे हैं। तो कॉस्ट 300,000 गिवन है, जो गिवन है वो इसमें से क्या है 100, और जो चाहिए वो इसमें से क्या है 120। और लिखें जीपी मार्कअप 30% है, 30 और सेल्स 390,000 है, 390,000। जीपी की अमाउंट बता दीजिए। जज्बाती आंसर है ये। जीपी की अमाउंट पूछिए। मार्कअप है। मार्कअप है तो कॉस्ट 100 है। मार्कअप है तो कॉस्ट 100 है और सेल्स फिर 130, और अमाउंट मैंने आपको बताई है 390। ये 390 क्या है 130, और चाहिए क्या 30। हाँ जी, मार्कअप मार्जिन। बाकी इसकी चलती रहेगी और प्रैक्टिस। अब आते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पे।
ये जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की शक्लें हुआ करेंगी वो भी ना कुछ इसी कॉन्सेप्ट से ही लिंक है, तो वो भी आपसे टेस्ट करते हैं। लिखें जी सवाल। अब ये मार्कअप मार्जिन वाली बात ख़त्म होगी, बहुत है प्रैक्टिस बाद में भी होती रहेगी। अब मैं आपको ना इंक्रीज डिक्रीज की जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे ला रहा हूँ। दो हज़ार बीस की सेल्स बता रहा हूँ। 2020 में सेल्स थी 420,000, 420,000 रुपये। जी जैसे मर्जी लिख लें। ईयर 2020 में सेल्स थी 420,000, 420,000, और 2021 में सेल्स हुई 520,800, 520,800 रुपये। सवाल है आपसे कि 2021 में जो सेल्स हैं वो 2020 से कितने परसेंट ज़्यादा हो गई? अच्छा, बाकी लोग भी अपनी तरफ से कैलकुलेशन करें। जो जो जल्दी कर लेते हैं वो कोई रेस नहीं जीत रहे, और जो स्लो करते हैं वो कोई रेस नहीं हार रहे। सब ने अपनी अपनी कैलकुलेशन करनी है। पूछा मैंने ये है कि 2021 में जो सेल्स बढ़ी हैं, अच्छा सेल्स बढ़ी हैं ये तो नज़र आ रही है ना, बढ़ गई हैं, तो ये कितने परसेंट बढ़ी हैं? में सेल्स हैं 520,800, और 2020 में थी 420। ये इससे कितने रुपए बढ़ गई? तो रुपए में तो ये इतनी है। अच्छा, मैंने आपसे परसेंटेज इंक्रीज की, यानी मैं आपको इंक्रीज को एज अ परसेंटेज पूछ रहा हूं। मैंने इंक्रीज पूछा है कि वो इंक्रीज कितने परसेंट है, किस चीज को परसेंटेज की शक्ल में पूछ रहे हैं, इंक्रीज को। तो इसको एज अ परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए ये न्यूमिरेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, हम इन ये इंक्रीज है, मैंने पूछा है ये इंक्रीज कितने परसेंट है, तो इसको एज अ परसेंटेज पूछ रहा हूं ना। तो 1,800,000। अच्छा, किसका परसेंटेज है? इन ना वर्डिंग्स पे हमें ध्यान करना पड़ेगा। ये अगली क्लास में भी इसको थोड़ा सा चलाऊंगा मैं, इस परसेंटेज को। ये काफी वर्डिंग इस्तेमाल होगी कॉस्ट में, इसलिए इसको हम केयरफुली देख रहे हैं बहुत। ये जो मैंने पूछा था, मैंने पूछा था कि 2021 में कितने परसेंट सेल इंक्रीज कर गई। आपने क्यूएम में एक चैप्टर पढ़ा होगा, इंडेक्स नंबर पढ़ा हुआ है, उसमें एक बेस ईयर होता है। बेस ईयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो इंडेक्सेस कैलकुलेट हो रही हैं वो किस से कंपेयर हो रही हैं, किस से,
जिससे कंपेयर हो रही होती है वो बेस होता है, जिससे कंपेयर किया जा रहा होता है वो बेस है। तो जब हमने कोई इंक्रीज डिक्रीज को परसेंटेज में देखना होता है ना, तो ये देखना पड़ेगा कि परसेंटेज किससे कंपेयर हो रही है। 2021 में 2020 से कितने परसेंट इंक्रीज कर गई, तो डिनोमिनेटर में हम 2020 की सेल्स रखेंगे कितने परसेंट, 20। और इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनेगी कि 2021 में सेल्स 2020 से 24% ज्यादा है। इसके लिए एक और मैं टर्म भी इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको हम ग्रोथ भी कह सकते हैं कि 2021 में सेल्स 24% ग्रो कर गई, ग्रो बढ़ गई। और सवाल लिखे, टू थाउजेंड ट्वेंटी की जो सेल्स हैं वो 240,000 है, 2020 ईयर की सेल्स 240,000, 2,40,000। सेल्स 25% ग्रो कर जाएंगी 2021 तक, यानी 2021 में जो सेल्स हैं वो 25% ज्यादा होंगी। मैंने तो पूछा ही नहीं कि क्या पूछ रहा हूं। 2021 में सेल्स 25% इंक्रीज कर जाएंगी, 2021 की सेल्स बता दें। हाँ जी, 3,00,000। दो हजार इक्कीस की सेल्स इससे 25% ज्यादा है। किसका 25%? ये जो इंक्रीज डिक्रीज कंपैरिजन वाली अब इंक्रीज डिक्रीज है ना, ये इंडेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, जिससे कंपेयर हो रहा है, जिससे से 100 वो 100 है। ये मैं आपको इंडेक्स नंबर वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि इंडेक्स नंबर असल में कंपैरिजन ही होता है। क्यूएम पास है ना, तो जो इंडेक्स नंबर है वो कॉन्सेप्ट ही कंपैरिजन का है। तो इस इंक्रीज डिक्रीज कंपैरिजन में जिससे इंक्रीज है, जिससे डिक्रीज है, वो 100 है। तो ये 100 है, तो 25% क्या बना, 60,000। तो इसका मतलब है कि 2021 की सेल्स 3,00,000। जी जी जी, मैं अभी बता रहा हूँ, 240,000 से 60,000 बढ़ के वो 3,00,000 हो जाएंगी। ये प्लस करके 3,00,000 वाली बात समझ आती है कि नहीं? 2020 की सेल्स 240 थी, 2021 की सेल्स उससे ज्यादा होंगी। कितनी ज्यादा होंगी? 25%, यानी 60,000 रुपए। तो चूंकि 60,000 रुपए ज्यादा होंगी, तो 2021 में कितनी सेल्स होंगी? दिस प्लस 60। अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट टाइप चीज बनाने लगा हूं, मैं इसी से बना के देता हूं। यानी हमने क्या किया, 2,40,000 में 2,40,000 का 25% ऐड कर दिया ना, 2,40 कॉमन ले लें इसमें से, 25% हो गया। और ये जो 25% है ये एक्चुअली 0.25 है। तो हम 2,40 को अगर इनटू 1.25 कर दें तो अब आप कॉस्ट में ना ऑनवर्ड ये काम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं।
ये शक्ल क्या बनी? अगर 240 को 25% बढ़ाना है तो 240 इंटू 1.25, यानी अगर बढ़ाना है ना तो 1 पॉइंट के साथ वो मल्टीप्लाई कर ले। वो गया ऊपर से, तो 2020 की सेल्स 240,000 रुपए थी, 21 की इससे ज्यादा है इससे, तो इंडेक्स नंबर कंपैरिजन के अंदर जिससे कंपैरिजन हो रहा होता है वो 100 है, तो 240,000 का 25% इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी। यानी अगर ये कहा जाए कि 2020 की सेल इतनी थी, 2021 की सेल इससे 25% ज्यादा होगी तो पता है कितनी होंगी, तो ये काम कर देंगे। ये अब आप अभी अगर कच्चा कच्चा भी है ना, ये कॉस्ट में इतनी ज्यादा कैलकुलेशन होनी है कि ये पक जाएगा बहुत। चले मंडे को ना इसकी थोड़ी सी और मजीद प्रैक्टिस करके फिर मैं मंडे से चैप्टर 1 शुरू कर रहा हूँ कॉस्ट का। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।